छिड़ल नगाड़ा छिड़ल लड़ाई कितना दम बा देखल जाई। बदल नगाड़ा छिड़ल लड़ाई कितना दम बा देखल जाई। उठा के बिरवा पटक दे भैया, उठा के बिरवा पटक दे भैया, आज नचाते ताता थैया। चला हो भैया चला रे मितवाजी का बात कबड्डी, चला हो भैया चला रे मितवाजी का बात कबड्डी। दसवा हम तू रब दुश्मन के, दसवा हम तू रब दुश्मन के, तू रब एक के खड्डी घुमा घुमा के धूल चटाई साबित कर फिसड्डी। चला हो भैया चला रे मितवाजी तब आज कबड्डी, चला हो भैया चला रे मितवाजी तब आज कबड्डी, चला हो भैया चला रे मितवाजी तब आज कबड्डी, चला हो भैया चला रे मितवाजी तब आज कबड्डी। चला रे भैया चला हो मितवा कबड्डी। अब की हमनी के फसल अच्छा हुई, ऐसे हम विचार कैनी हा कि अब की के फसल हमनी के खुदे ही शहर जाके बेचल जाए, ताकि उसे हमनी के अच्छा आमदनी हुई, और वही पैसा से हम आपन आपन ठाकुर के पैसा चुका के जमीन गिरवी छुड़ा ले। कैसन विचार बा? लेकिन नारायण भाई, का ठाकुर हमनी के अनाज बेचे दी? बेचल तो छोड़ा, खाली ठाकुर के मालूम हो जाओ कि हमनी के अपन अनाज शहर ले जाके बेचल जाई, तो मालूम बा ठाकुर हमनी पर कहर बरपा दी। कहर यह डर सरपंच जी हमनी के अंधकार में लेके जाता। देखो, ये केवल हमार और तोहार परेशानी नहीं खे, ये हमार पूरे गांव के परेशानी बा। आज ठाकुर हमनी पर अन्याय और अत्याचार करता, कल ओकर बेटा हमनी के बेटा पर हुकूमत करी, परसों ओकर पोता हमनी के पोता पर, आखिर ई परंपरा कब तक चली? कब तक बोली सरपंच जी, कब तक चली? नारायण भैया, आखिर तू का कहे चाहता? अरे ठाकुर के हमनी जमीन गिरवी देले बानी, अनाज ना, अनाज के एक एक दाना चुन के हमनी के इकट्ठा करेली, और ठाकुर एकर कीमत का देवेला? आधा से भी कम? आखिर ये परंपरा कब तक चली? का कबो दिमाग में ये बात आईल? का कबो तू लोग सोचले बाड़ा कि हमनी के बाल बच्चा भी डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, अच्छा खाना खाई? कबो सोचले बाड़ा? जरा सोच, आखिर ठाकुर के ये हुकूमत कब तक चली? हमनी के एकर विरोध करे के पड़ी। नारायण भाई, रउआ ठीक कहता नहीं। अरे शहर अपन अनाज क्यों भेजे या न भेजे, लेकिन हम अपन अनाज शहर जरूर भेजब। ये हमार फैसला हो, ये हमार फैसला हो, हमार फैसला। आज हमरे देश को आजाद भइल बरसों हो गइल, परंतु आजादी भइला के बाद भी आज हमरे देश के कई गांव के लोग गुलामी की जिंदगी जी रहल बा। अमीर लोग अपन दौलत और ताकत के बल पर गरीब लोगन के गुलामी की जिंदगी जिए के खातिर मजबूर कर रहल बा। जीत अब कबड्डी भी भारत के एक छोटे से गांव वासुदेवपुर की कहानी बा। मुन्नी के माई, ए मुन्नी के माई, सुना तारू हो? का बात है, सुबह सुबह इतना शोर काहे मचावतानी? तोहर दोनों लाडला कहाँ गईल? सुबह में नदी नहाए गईल बा लोग। और तोहार बिटिया मुन्नी? मुन्नी भी मोहन और पवन के साथ ही गईल बा। तोहार लाड प्यारी बा न, ये तीनों के बिगाड़ दी ही। हम चलनी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह चाचू इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस पवन चाचू मोहन चाचू जल्दी निकला। पैतीस छ
37 हे गंगा मैया, हमरे चाची लोगन के निकाल दो। काबिल शेरनी बिटिया कहे रोतिया? ए मोहन, अरे अपन शेरनी मुनिया रोहत काहे बिया रे? का भारे मुनिया? हाँ? हम समझ ली कि तू लोग डूब गए। का तोर चाचा इतना छोट छोट बाहें? घोड़ा दिसन चाचा का पानी में डूब जाएंगे बिटिया रानी। अरे तार चाचा शेर वारन शेर, हमने के डूब जाब। ए पवन, चला जल्दी चल जाए, वहाँ कहते जाए ना भैया हमने के इंतजार करत हुई। अरे हाँ यार, चल 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 मुनिया चल मुनिया रानी चल चल चल। मनवा में खुशी ना समाई, उमंग अंग छाई गोरिया। ओ मगन होई के नाचे गौआ के गुजरिया, चुनरिया लहराए गोरिया। आज मनवा में खुशी ना समाई, उमंग अंग छाई गोरिया। मगन होई के नाचे गौआ के गुजरिया, चुनरिया लहराए गोरिया। खेतवा के फसलिया देखा खूब लहरात बा, देखी देखी गौआ के किसान ईत रात बा। कारी बदरिया देखा घेरी घेरी आत बा, दुल्हन के जैसा नाच खेतवा बुझत बा। बोले कोयलिया मीठ मीठ बोली, खुशी ना समाई, उमंग अंग छाई गोरिया।
के नाच गवा के गुजरिया चुनरिया लहराए गोरिया। उमंग अंग छाए गोरिया ओ मगन होय के नाचे गवा के गुजरिया चुनरिया लहराए गोरिया। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी बने रणे प्रकाशनी भजाम विंध्य वासना त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजाम विंध्य वासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजाम विंध्य वासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजाम विंध्य वासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारी वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। जय अम्बे चंडिके मां। ठाकुर प्रताप सिंह के प्रताप के जरूरत केकरा पड़ गई मुंशी जी? ठाकुर साहब, नारायणमा आपके खिलाफ बगावत के बीच बस, बस, बस। मुंशी, तोहरा मालूम बा तूफान आवे का जब अंदेशा होला ना, चिंगारी के अंगार बने से पहले ठाकुर बुझा देले। सुना तारू मुन्नी के माई का हा? हम शहर जाता नी गयन खातिर चारा लेवे। सुनी जी, आज शहर जाई जरूरी बा, चारा तो कल हो आ सकेला। अरे आज आ जाई तक कौन सा पहाड़ टूट जाई। जाए द बाबूजी। बाबूजी हम साइकिल पे चलब। अच्छा, तोहरों के साइकिल से चले के बा? तो ठीक बा, अखनी हम गैया खातिर चारा लेवे जात बानी। चारा लाइव गैया ओकरा हापुड़ हापुड़ खाई है, फिर गैया ढेर सारा दूध दी है और गिलास से तू खूब दूध पी है और बड़का गो हो जाई है, फिर तोहरा के हम साइकिल पे चढ़ा के ले चलब। ठीक बा? मुन्ने के बाबूजी, तने देख के चली। भैया गयन भाभी हूं चला तानी। अरे देवर जी, इतना सत सवरन के कहां जाता नी? भाभी हम बहुत जल्दी में वहां से जाए के आई तो तोरा के बताई, तो भैया के वजह से भाभी बहुत लेट हो गया। भाभी हमरा के जाए तो भाभी अब एक बस तोरा के हम बताई भाभी। अच्छा अच्छा, एकदम भाभी चला तानी। भौजी देखतारू,
जवान गईल ना तोहार देवरानी लावे खातिर। तो तू काहे जलत हो, तू काहे जलत? समय आई तो तोहरो उपाय हो जाई। अब भौजी हमार असन किस्मत कहाँ? अल्लाह भगवान जी एक रो कुछ उपाय कर दी। आज हम मजा ना चखाएं तो हमरा नाम चंपाना। ए चंपा रानी नाराज वाड़ू का? नाराज थोड़े बानी, पहले ये बताओ कितना देर काहे लगावला? हाँ नाराज हो गई, लगा था कुछ करेक पड़ी। हदया ई का हो गई? मोहन मोहन ई का भइल तहके? मोहन आँख खोलो ना मोहन। हे भगवान हम ई का कही नी। मोहन आँख खोलो ना मोहन, देखो अब हम तो उसे कबू गुस्सा ना करब। मोहन देखो हम अपन दोनों कान पकड़ता नी, आँख खोलो ना मोहन। सच्चो तो तू हमरा से नाटक करत रह, जा हम तोरा से ना बोलब। ए पप्पू कमाई फिर से नाराज हो गयो का? हे भगवान ई तो हमके कुंवारी माई बना देलस। हे भगवान हम ई कैसा आदमी के पल्ले पड़ गई नी। ए चंपा रानी मान भी जाओ, नाराज हो गयो का? पड़ल बानी हम तोहरा
अब बनाई अपन जान हो नाला गोरी हमरा प्यार के ऐसे इम्तिहान हो बन जा तो राजा हमरो जीवन के आधार हो जिंदगी लुटाई तोहपे करब तोहसे प्यार हो हो अखिया ना लड़ा बगोरी जियराई घायल हो जाई अखिया ना लड़ा बगोरी जियराई घायल हो जाई कमर ना लचकावा दिल पे छुरी चली जाए है जियरा ना तरसावा ए रानी मनवा पागल हो जाए है जियरा ना तरसावा ए राजा मनवा मजा आ जाए रे का मालवा चल हाथ मत लगाओ हम लगे हाथ मत लगाओ
मुनी के शहर के लगन बहावा औरी पढ़ावा और कहनी की हमहू उनकर इंतजार करतानी बबूनी। का हो भाभी, कहे उदास बाहू? अनहार हो गई, राउर भैया अबो तक ना आइलन, पता ना कहाँ बानी। भाभी तू चिंता मत करा, अभी देख के आवतानी, जाके टर्च लेके आवा जा। अभी लावतानी। जल्दी लिया भाभी तार। हाँ हाँ आवतानी। अब जाते ही भैया के ढूंढ के हमसे भी लिया आवत है। हाँ, ली टार्च। अरे जाओ, ठीक है भाभी, खोज के लिए आई हो। अरे चिंता मत करो भाभी, बस गली आई नहीं। चल अपना चल, ख्याल रखी हो। सके सया खुबे कमात मंगाई डायन काए जा। ए पवन दिखाओ बहारन आवत है भैया, पूछी कान से। रुक रुक रुक, ए बहारन का बात है मोहन भैया? भैया के दिखला का बहारन? नहीं हम तो ना देखनी है, पोखरो प्राणी है। चल तू जा। ठीक बा, हम जाते। हाँ ठीक बा। हरी, ए हरी। मोहन भैया, पवन भैया, इतने समय यहाँ का बात बा? भैया यहाँ आयल रहन का हरी? ना तो भैया यहाँ तो ना आयल रहा। भैया यहाँ नहीं आयल रहन, तक कहाँ गए हो यहाँ? कुछ हमरा समझ में ना आया बता, भैया कहाँ गए रहन? कुछ परेशान दिखा तारा लोग, का बात बा? ना हरी, ऐसा ना बा, चला था नहीं हमने। सरपंच जी, आहिस्ता मर्दे ससुराल हा। ए सरपंच जी। आवतानी भाई, आवतानी। के हा भाई? पवन, मोहन, का बात बा? इतना रात के तू लोग यहाँ? सरपंच जी, हाँ हमार भैया यहाँ आए रहन का? ना आज तो तोहर भैया एजा ना आइल रहलन। भैया कहाँ गेल होइहन? समझ में ना आवत है यार। का बात बा, तू लोग इतना परेशान काहे बाड़ा? हमके साफ साफ बतावा। का बताई सरपंच जी, सवेरे के भैया बाजार निकलान, अब तक वापस ना आइल हन। तू लोग चिंता मत करो, आज हमरा के बाजार में मिलल रहलन, वो आ जाई हैं। जा घरे जा लोग, जा। ठीक बा सरपंच जी, प्रणाम। ओ बहुत बड़ा पागल होला, जेकरा ठाकुर प्रताप सिंह के भय ना होला। अरे मौत पर केकरा बस चलेला ठाकुर? भगवान के लाठी जे दिन घूमी उ दिन तोरा खुद से डर लागी, खुद से। ठाकुर प्रताप सिंह खुद एक खौफ है, और खौफ से खौफ देवे के कोशिश कर रहल बाले। आज तोहरा के ऐसन मौत मारब, ऐसन मौत मारब कि ठाकुर प्रताप सिंह के खिलाफ गांव में कोनो आवाज ना उठा पाई। अरे ठाकुर, गांव में से उहे कोई एक
तुहार मौत के कारण बनी ठाकुर, मौत के कारण बनी। बोली ना भाभी, भैया का पता नहीं क्या चला भाभी। हमके तो बहुत डर लागता भाभी जी। हो सका था भैया कोनो काम से दूसर गांव चल गए हुई हन और रात होए के कारण वही रुक गए हुई हन। रउआ चिंता ना करी भाभी, भैया लड़कियां थोड़ी बहन कतो गुम हो गई है। ई बताओ मुनिया कहां बा भाभी? बाऊजी बाऊजी चिल्लात रहलन, अब जाके सुतल बा। खाना उना खाएस कि नहीं भाभी? बस एगो रोटी खैलसिया। रउआ दुनो हाथ मुँह धोली, हम खाना लगावत आनी। नहीं भाभी, भूख नहीं की हमरा। ऐसन बोले कि ना चाहिए, जाई हाथ मुँह धोली, हम खाना लगावत आनी। जी भाभी। ठीक बा भाभी। चूना डलने वाले ना ठीक से। अब पूरा डलने वाली। ये सब कैसे भइलो? ये काम हमनी के ना, आपके हदर होगा जी। जनता के सहयोग के बिना कुछ ना हो पाई सरपंच जी, बुझाइल नू? हाँ बुझाता। सुन ला गांव वालन, ये नारायण के डायन डिक्लेरेशन बा। कानून के भाषा में एकरा पर जे समझल जाला केहू मरला के समय झूठ ना बोलेला, एकरा में नारायण लिखले बा कि हम नारायण अपने पूरे होशो हवास में लिखतानी कि हम अपन मौत के जिम्मेदार खुद बानी। हम देवता स्वरूप ठाकुर साहब के खिलाफत कई के हम भगवान के साथे खिलाफत कैले बानी। ये बात हमके काटे के दौड़त रहल, यही से हम आत्महत्या करतानी। ई का बात करतानी दरोगा साहब? का आपके समझ में आया बताओ? ये सब ठाकुर साहब के चाल हो? का हमार भैया इतना कमजोर रहन की आत्महत्या करिए? ये आत्महत्या ना हत्या हो?
हमारे भैया आत्महत्या ना कर सकेला, कब ना कर सकेला। बंद करी अपनी नौटंकी सब, बंद करी। जनता के सहयोग के बगैर कुछ ना हो सकेला, बुझाइल नु सरपंच जी। बुझाता, चलो लो, चलो चलो। दरोगा जी रुकी, बंदूक निकाली। जाई लींजी। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम प्रणाम। आई दरोगा जी बैठी। कहीं ठाकुर साहब, एगो बहुत बुरा खबर बा, लेकिन साथ में एगो बढ़िया खबर भी बा। अरे पहले अच्छी खबर तो सुनाई ना मुंशी जी। बात पूरा होके दी, बोली दरोगा जी। बुरा खबर ही बा ठाकुर साहब कि नारायणा के मरला के बाद पूरा गांव में आक्रोश के चिंगारी फैल गई बा। लेकिन बढ़िया खबर यह बा कि कुल गांव के लोग पोस्टमार्टम के विरोध करता नहीं सर। ए दरोगा, तो खाली आपन चिंता करा, गांव के चिंता करे के बारे में तोहरा कोनो जरूरत नहीं है। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम भाई। कैसे ना करी छोटे ठाकुर, आखिर रउआ लोगन के नमक खेले बानी हम। अरे बाबूजी, एगो खुशखबरी बतावे के तुम भूलिए गए नी। रानी 16 तारीख के लंदन से आवतारी। रानी आवतारी? ई तो बहुत बढ़िया खबर बा। मुंशी जी। जी मालिक। एयरपोर्ट से आवे में हमरा रानी बिटिया के कोनो दिक्कत ना होके के चाहिए। नहीं होई। गुमसुम बैठल वाड़न। हाँ मोहन, मोहन हमसे तोहार दर्द देखल ना जाए। हम तो चाहता नहीं तू खुश रहो।
गाड़ी काहे बंद हो गई? पता नहीं। अरे का भइल? का भइल का मालूम? अरे जल्दी देखा का हो गई? अच्छा देखा था नहीं। का हो गई? गरम हो गई बा। देखा जल्दी देखा। कितना अच्छा मौसम बा। एकदम झकास बिया रे। रानी पटाखा नहीं बम के गोला होगे। कमाल किया रे। कुछ ना कुछ तो होके चाहिए। अरे अरे रे कमाल बरे। अरे क्या कर रहा है तू? के बड़ा रे भाई से बड़ा ये बड़ा रे तू। अरे क्या झकास माल बरे। काना तारा के है। अरे तू के बड़ा रे के है। तू के बड़ा रे काफी के पीछे होवे। हां हां बताओ बताओ नहीं हम देखे तारा के भाई बताओ हम देखे और कर बच्चा के जान लेबू का हो। सॉरी सॉरी ए हीरो छोड़ी लड़की के और भाग जा यहां से। प्लीज हमरा के बचा ली। मैम साहब ये मखन नियर गोबदन दिखाइबू तो केहू के नियत खराब हो जाई। ए भाई लोगन आवा हो इनका लेके जा लेके जा इनका गला। अरे सारे अपने आप के शक्ति कपूर के छठी औलाद समझे थे हमना के रहते इस गांव से लड़की लेके जाबे। अरे ऐसा वैसा ना मनिया सब रे चला मार जाने के लगे। ये पौनवा लगाता हमनी के राम और बलराम बन के सारन के दिखावे कोई मारा अब आए लश्कर हमरे हाथ में। अब बताओ मोहन कर का हाल करी है? कर रहे हैं
क्या ससुर के नाती एले मर मोहन मर मर मोहन मर ससुर के नाती चलिए मेम साहब को देखिए का भेल इले मेम साहब इले गमछी घरे जाए चिंता करने जरूरत नहीं है अब कोनो दिक्कत ना हुई जाई आराम से उ लड़की जात कैसे जाई पो जा तू ओकरा घरे छोड़ के आवा यार लेकिन ठीक बा मोहन तो हम छोड़ के आवा तानी हां ठीक बा हम जाते ठीक है चलत छोड़ के आवा तानी चली एगो बात पूछी तोरा नियन सुंदर लड़की आज तक हम देखली नहीं चली मुंशी जी अभी तक रानी बिटिया के नाही ले आईले बहुत ही चिंता हो रहल बा अरे का भेल कुछ बोल बा कुछ बोल साहब गांव के गुंडा लोग बिटिया के पकड़ लेले खाली चला और तू यहां का करे आगे जा खाली ठाकुर साहब चल 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 खाली खोल जाके का खोल बाडूना जी कुछ भइल त ना हम ठीक बानी बाबूजी नाही छोड़बू हरामियन के ओकर ऐसन हशर करब कि फिर कोनो ठाकुर खानदान के इज्जत पर आंख उठावे के जरूरत ना कर सके रुक जाई भाई साहब बाबूजी भैया आज अगर पवन ना रहतन तो हमारी इज्जत आज पवन के वजह से हमारी जीत बच गई ना ओ ई बात बा आज तू ठाकुर खानदान के इज्जत बचा के हमरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कइले बाड़ा बोला तो के का चाही ठाकुर साहब मांगे से तो भीख मिलेला हम गरीब अपन हक कैसे लेवल जाला जाने ले प्रणाम चलत हूं चलो सहेली हो का करी किकरा के बताई बोला सहेली हो
छुप ना तोहके खुले आम होली में कैसे घरवा में बताई हमके प्यार हो गई कैसे घरवा में बताई हमके प्यार हो गई ए सहेली सुना सहेली सुना सहेली हो ए सहेली सुना सहेली सुना सहेली हो का करी केकरा के बताई बोला सहेली हो का करी केकरा के बताई बोला सहेली हो जानी हम हैं तो हर बचपन की निशानी ओह माय गॉड चंपा अरे यार कहाँ रहलू है तू कैसन बाड़ू ठीक बानी तू बता कैसन बाड़ू हमऊ ठीक बानी ई का छुपा उतारू कुछ नहीं कुछ तो हाँ अरे कुछ ना चंपा छोड़ दिखाओ ना रानी ई का बिलायत से एक गमछा लाए लू छोड़ ना यार ई ई पवन का का नाम ले लो ना कुछ ना बोलो ना रानी पवन ओहो तो आते ही हमार पवन के बुखार तोरे सिर पे चढ़ के बोले लागल तो रानी तू भी गई लू तू भी गई लू मतलब मतलब का है चंपा एकर मतलब तोरो टाका भिड़लवा यार एकरा से मोहन मोहन पवन जी ओ रानी बिटिया के बिछड़ल आज मिलल बाड़ू चला
बात बाद में करी हा। नाश्ता तैयार बा, जल्दी से आव नाश्ता करी हा। जी मैं हम जल्दी आव। हाँ हाँ आवतन। चल 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 के मिल जा। चल मेहरा साहब, ऐजा के सारा जमीन हमारे पास, यहाँ करीब 100 एकड़ के चकबा, और ये सारा मजदूर लोग ये सब हमार बारन, और एकरा बाद वो दूर तक जोन देखात बा वो पूरा प्लेन प्लॉट सब हमार बा, सब राउर काम में आई, और वो बड़ा चकबा ठीक बा ना। चलिए बाबूजी से मिलाओ। देखिए मेहरा साहब, ये हमार हवेली। गोदाम के हिसाब बाबूजी और पिछले साल के हिसाब बहा। ये मिस्टर मेहरा हमें, और ये मिस्टर मेहरा के मैनेजर मिस्टर मेहरा, ये हमार बाबूजी हमें ठाकुर प्रताप सिंह। हेलो। हेलो ठाकुर साहब। ठाकुर के हवेली में रवा के स्वागत बा, बैठो। थैंक यू। और सुनाई ठाकुर साहब, मेरा कारोबार अमेरिका में है, इसकी वजह से मुझे अमेरिका रहना पड़ता है, लेकिन मैं पूरी तरह से भारतीय हूँ। मैं यहाँ एक स्टील फैक्ट्री बैठाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके बदले में मैं आपको 50 करोड़ रुपया दूंगा, और हमारी फैक्ट्री में आपको 20% की पार्टनरशिप भी दी जाएगी। ए खातिर रुआ के थोड़ा इंतजार करे के पड़ी। व्हाट इंतजार? मतलब कि फसल कटे तक, और 6 महीना में फसल पक जाए और कट जाए तो फ्री हो जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है। Take this. मुंशी जी। जी मालिक। ओके तो ठाकुर साहब, हम चलते हैं। कैसी बातें करते हैं मेहरा साहब, बैठिए बैठिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप हमारे खास मेहमान हैं। आज शाम को आपके आने की खुशी में मैंने हवेली पर बहुत बंदोबस्त किया है। काले सिंह। जी मालिक। साहब लोगों को ले जाओ, खातिरदारी में कोनो कमी ना हो के चाहिए। खास मेहमान ध्यान रखिएगा। चल आए। बाबूजी एडवांस तो ले लेनी, बाकी गांव वाला जमीन दी है सन। बात तो तहार ठीक बा बेटा, लेकिन एडवांस तो ले ले बानी जा, कुछ ना कुछ उपाय तो कर ही के पड़ी। हाँ बाबूजी। ठाकुर साहब, अगर रउआ के इजाजत हो तो एगो बात बताई। छोटे ठाकुर, हर साल के तरह यहू बार कबड्डी खेल हुए के बाद काहे नहीं हम सब मिलकर गांव वालन के उकसावल जाई, ताकि गांव वालन कबड्डी खेले के तैयार हो जाई। का कहे के चाहत बानी मुंशी जी? देखी छोटे ठाकुर, अगर गांव वालन आपन पहलवानन के खिलाफ कबड्डी खेले के तैयार हो गई, तो समझी आपन काम आसान हो गई। पहेली मत बुझाई मुंशी जी, साफ साफ बताई। ठाकुर साहब, गांव वालन से आप ही के बोले के पड़ी कि देखा गांव वालन, अगर हमनी के पहलवानन के कबड्डी में पछाड़ दिया तो तोहार कर्ज माफ कर दिया जाए, तोहार जमीन लौटा दिया जाए। कौनो हमनी के गांव के पहलवानन के हरेले बा जे सरोई गांव वाले हरई हैं। बात में तो तोहरा दम बा मुंशी जी। एह तरीका से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूट। ठाकुर साहब, जाहिर सी बात बा, आज तक कौनो हमनी के पहलवानन के हरेले बा।
रानी, ए रानी, उठा बेटा, उठा, सुबह हो गई बेटा। अरे सूरज निकल आइल बा। माय, तने दे सुते दाना। बेटा, माई, ए माई, एगो बात बतावा, बाबूजी गांव वालन पर इतना अत्याचार करेलन, उ लोग के इतना सतावेलन, तू काहे ना कुछ बोलेलू? का करी बेटा, हमार हिम्मत नहीं खे कि तोहर बाबूजी से कोनो बात कर सकी। जनाब किसी आयल बाड़न? ए पवन, छोड़ा रानी, हम तोहर इंतजार करत करत थक गई, और तू हो की? पवन, तरह से मिले खाते ही आवे खाते हमरा के कितना झूठ बोले के पड़े लाई तरह के मालूम बा। एगो तू हुआ कि तोहार गुस्सा तो नाके पर रहेला। रानी, ये सब तोहर बहाना बा। बड़का बाप के बेटी होवा ना। अच्छा, तो ये सब हमार बहाना बा। हम बड़ बाप के बेटी हैं, इसे नखरा दिखावत नहीं। ठीक बा, तू अकेले ही जा बैठा, हम जाता नहीं। अरे 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 रानी रानी, अरे
कमीज ओ पे घोटे वाली चुनरी चुनरी के पोरे पोरे चढ़ल बाटे मुनरी हाय लहंगा कमीज ओ पे घोटे वाली चुनरी चुनरी के पोरे पोरे चढ़ल बाटे मुनरी जैसे बगिया में फूल बा मारे लहिलोरा वैसे घूंघटा से ताक दोरी करी लानी होरा जैसे बगिया में फूल बा मारे लहिलोरा वैसे घूंघटा से ताक दोरी करी लानी होरा होरा गोरिया रे ताक ना हमर ओरिया रे सोभे चूड़ी कंगना भाग हमर जागल तू अइलू हमर अंगना होय गोर की कलैया में सोभे चूड़ी कंगना भाग हमर जागल तू अइलू हमर अंगना जैसे रतिया में जोनिया के चमके अंजोरा वैसे घूंघटा से ताक दोरी करी लानी होरा जैसे रतिया में जोनिया के चमके अंजोरा वैसे घूंघटा से ताक दोरी करी लानी होरा होरा गोरिया रे ताक ना हमर ओरिया रे जैसे अमावा के पतरी से झकेला टिकोरा वैसे घूंघटा से ताक दोरी करी लानी होरा जैसे अमावा के पतरी से झकेला टिकोरा वैसे घूंघटा से ताक दोरी करी लानी होरा होरा गोरिया रे ताक ना हमर ओरिया रे तरीके सपना रहे अरे आवा हो वहाँ का करत बड़ा हिंया आवा 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 हो आवा हो आवा अरे वो हरिया कहाँ बड़ा ये हरिया आवा आवा हाँ हरिया अरे हे कलुआ देखत का बड़ा आवा ए धनेश्वर हाँ आवा 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 हे झूलन अरे धीरे धीरे कहे चलत बड़ा हो हाली हाली कदम बढ़ावा आवा हाँ हे मोहन हे पवन हाँ, सब लोग यार आवा आवा का हो गई आवा 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 बड़े ठाकुर साहब के आदेश भइल बा कि जैसे जैसे तोहार सबके जमीन पे फसल हो जात बा फसल कटा जात बा वैसे वैसे ठाकुर साहब के कर चुका दा 6 महीने के अंदर ठाकुर साहब के कर चुका देबा त तोहार सबन के ई जमीन कर्ज मुक्त हो जाई और नहीं त ई जमीन ठाकुर साहब के हो जाई ई त मुंशी जी सरासर ना इंसाफी बा हमन इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लिया बल जाई मुंशी जी ई हमार नहीं ई ठाकुर साहब के आदेश भइल बा ऐसन कैसे मुंशी जी जौन ठाकुर साहब कहन हमने की मान लेम जा ऐसा ना हो सकला ई हमसे नहीं ई ठाकुर साहब से जाके कहा ई हमार नहीं आदेश बा
और अगर ठाकुर साहब के कौनो आदेश नहीं मनवा तो देख लिया का होई तोहार लोगन के। चला हो, चला 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 हो। चिंता ना करी, सब समझा दे ले। ठाकुर साहब, गांव वाला सब आ गए बाड़े। अच्छा, भेजा वो लोग के। भेजा जाई के, भेजा। चली आवेदा, सबके आवेदा। ठाकुर साहब समझी कि तीर निशाने पे लग गई बा। बताओ। अरे मोहन यार, ऐसे कैसे हो यार? ठाकुर साहब, हमने के एक साथ इतना रुपया कैसे दे हब जा? सरपंच साहब, अगर पैसा नहीं खेदे सकत तो जमीन छोड़ दा। का है कि तोहरा अच्छी तरह मालूम बा, हमार जौन फैसला होला अटल होला, जेकरा के कौनो कीमत पर बदलल ना जाला। ठाकुर साहब, आपके तब बदले के पड़ी। ए दो कौड़ी के किसान, हमरे बाबूजी के साथ ऊंचा आवाज में बात करे के हिम्मत कैसे भइल? ए रंजीत बाबू, ये दुई कौड़ी के किसान की वजह से ही आपका शान और शौकत हो। का हमन ना समझत है? जो आपके गाड़ी बंगला सब आपका बा, दुई कौड़ी के किसान की वजह से ही है। रंजीत बाबू, आप हमन के आधा भाव में हमन का अनाज खरीदे थे, का हमन गांव वाले ना समझे थे ये बात के? मोहन, इतना लाल पीला भैला के कौनो जरूरत नहीं बा। अगर एक गांव वालन से इतना हमदर्दी बा तब पैसा चुका के जमीन के कागजात ले जा। अगर इतना रुपया एक साथे ना हो सकत बा तो एक उपाय बा, हमरे पहलवानन के साथे एक कबड्डी में तोहरा लोगन के खेले के पड़ी। ई कबड्डी तोहनी लोगन जीत गईला तो समझा जमीन मुफ्त में मिल जाई। अगर हार गईला तो ई सारा जमीन हमार हो जाई। बोला, शर्त मंजूर बा? हाँ रंजीत बाबू, मंजूर बा। तो ठीक बा, आ जाइए। ठाकुर साहब, ये लोग नादान बा, हमनी पर इतना जुलम मत करी। बस, 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 बस। हमार बेटा जे कह देलस वो फाइनल बा। तू का कहेल? तू अपन जी छोड़ दो, अभी वो कुछ नहीं के बिगड़ल बा। जा, जाके ठाकुर साहब से माफी मांग लो, यही में तो हर भलाई बा, आ हमनी सब के भी भलाई बा। सरपंच जी, जरा हमरो बात सुनी। राम राम, चला लो, चला। अरे सरपंच जी, सरपंच जी सुना, सरपंच जी टापू। अरे रानी, तू यहाँ? हमरा तारा से कुछ बात करे कर हाला। अरे कैसन बात? हमार बाबूजी बहुत बड़का चाल चले बाला बानी। चाल? कैसन चाल? कैसन चाल? जान रही ना तो बहुत जमीन आ जाए। तू चिंता मत कर रानी, अब हमनी के कबड्डी खेलम भी जा और जीतम भी जा। लेकिन तू लोग समझे की कोशिश काहे नहीं की करत? हमार बाबूजी कोनो हद तक जा सके नी। रानी, अब जे चाहे ते हो जाए, कबड्डी होबे करी। साहब सब ठीक चलत बा बाबूजी। अरे रानी बेटा, बोला। हमरा ना रउआ से एगो बात करे के बा। ए में पूछे के कौन बात बा बेटा? बोला, का बात करे के है? बोला। ऐसे ना, पहले रउआ प्रॉमिस करी कि रउआ हमार बात मानब, तब प्रॉमिस करा तानी जौन कहबू तब मानब बस। बाबूजी, उजे गांव के गरीब लोग के जमीन के कागज रउआ के पास बानू, ओ रउआ वापस कर दे। रानी, अगर ये जगह और कोई रहित ना तो गोली मार दी। मार दी?
हमू राउर बहिन है, हमरा तकलीफ ना होखी। बाकी जे रउआ करत आनी ना वो अच्छा नहीं के। गांव के गरीब लोग के सतावल बहुत खराब होला भैया, एक प्रायश्चित करे के पड़ी रउआ के। और इहो याद रखी, रउआ कब्बो सुखी ना रहो। बहुत गली। बेटा रानी तू अंदर जा। जी बाबूजी। तोहार दिमाग खराब हो गेल बा का? जवान बहिन से बात करे के यही तरीका है? अरे रानी अभी अनजान है, बाहर से पढ़ के आयल बिया, ओकरा गांव के बारे में का जानकारी बा? और तनी अपना गुस्सा पर काबू रखल करा। मोहन। कहो चंपा, आज तो इस साड़ी में कमाल ढहाता हो, का बात बा? ई बतावा हमरा के काय खाते बोलो ले हो? मोहन, एको बात पूछी? हाँ पूछा। अगर तू कबड्डी हार जाइबा तो हमके तो अपने साथ लेके जाइबा ना? का बात करत हो चंपा, तोरा के हमरा ऊपर विश्वास नहीं खे? अब हमन ई गांव में रहल भी जाई और ई कबड्डी मैच जीतल भी जाई। हमके माफ कर दो मोहन, हमके तोरा पे पूरा भरोसा बा। देखा चंपा, ऐसन बात हमसे दोबारा कभो मत कहो। हाँ देखा, चांदनी रात बा, चला और चली तोरा के कहीं घुमा के लेके आई। चला। ठीक बा। चांदनी रात बा बहिया में आवा गोरिया, चांदनी रात बा बहिया में आवा गोरिया। अखिया जितना तरसल बिन अनार हो गई ने, अखिया जितना तरसल बिन अनार हो गई ने। का कहीं तो बिन, का कहीं तो बिन, का कहीं तो बिन जियले मुहाल हो गई नी। का कहीं तो बिन जियले मुहाल हो गई नी। अखिया जितना तरसल बिन अनार हो गई नी, अखिया जितना तरसल बिन अनार हो गई नी। का कहीं तो बिन, का कहीं तोह बिन, का कहीं तोह बिन जियले मुहाल हो गई नी। चांदनी रात बा बहिया में आवा गोरिया। दरअसल दिन अंधार हो गए ने, अखिया
कहीं तोह बिन, का कहीं तोह बिन, का कहीं तोह बिन, जियले मुहाल हो गई नी। चांदनी रात बा बहिया में आव गोरिया, समझ में नहीं आवत मोहन कि खिलाड़ी कहां से लावल जाए। अरे यार पवन, अरे सामने देखा जरा यार। सामने सामने क्या बात? अरे टापू के देखा यार, हम कब से देखा था नहीं कि ओकरा पीछे सब लड़कियां लगा हैं, लेकिन ओकरा क्यों पकड़ नहीं पाता यार। वो लगा था कबड्डी के लिए एक बढ़िया खिलाड़ी मिल गया बका। आवा जरा यहाँ, आवा देखा जरा। अरे हाँ मोहन यार, अरे लगा था हमने क्यों खिलाड़ी मिल गई यार। ए टापू यहाँ आओ भैया, यहाँ आओ जरा। कहा मोहन भैया? हमनिक संगे कबड्डी का खेल खेलबा का। हाँ खेलब, लेकिन कबड्डी हमरा ना आवेला। अरे तू चिंता मत कर टापू, तोरा के कबड्डी हम सिखाई देब। हाँ ठीक बा, हम खेलब, जरूर खेलब। अरे चलो आज हम तोहरा के कबड्डी खेलावता नहीं। रुको चाची, आखिर टापू के कबड्डी खेले में हर्ज का बा चाची? हर्ज? अरे तोहरा लोग के मरे के बाद हमारा हमरा बेटा के मत घसीटा। आखिर कब तक छुपा कर रखबू चाची, कब तक? का तू नहीं चाहत जौन जमीन ठाकुर साहब के पास गिरवी बा वो छूट जाए? का तू नहीं चाहत कि जौन फसल तू मेहनत से उपजावे लू ओकरा पूरा लाभ तोहके मिल सके? बतावा। ऐसन सपना हमरा के मत देखावा बेटा। चाची सपना कबो कबो सच हो जाला, आप लोगन का आशीर्वाद और साथ चाहिए। समझी कबड्डी खेल हम जितबे करा। तू टापू की चिंता छोड़ दे चाची, हम रउआ से वादा करता नहीं टापू के कुछ ना होई और ई कबड्डी खेल हम जरूर जीतब। कहा बेटा, ई कबड्डी खेल हम जीतब, हमके हमार जमीन वापस मिल जाई। चाची ऐसा हो सकेला? कैसा हो करके हम छुड़ाई करब चाची। अरे गाली कर, गाली दे ले रे, गाली कैसे दे ले, काय काय करे, अरे काय करे।
अरे मोहन यार भाई, अरे बहारन, ये सब तो कैसे कहले बहारन? हमका कहनी है पवन भैया, तू उखड़ा के उठा के पटक देला, तू तो बहारन बड़ा काम का चीज बड़ा। अरे हमारे संगे कबड्डी खेलबा का बहारन? का हम कबड्डी खेल सकेला? हाँ, हमार बेटा कबड्डी खेल सकेला। हाँ चाचा, तुहार बेटा कबड्डी जरूर खेल सकेला। टापू सीधा लाइन लिया देखा, टेढ़ा ना हो। बहारन अभी तक ना है यार। पवन भैया, मोहन भैया, अरे यार हम आ गए नहीं है। इतना देर से आया। पवन भैया बहुत डर लागत बा। काहे के लिए डरा था यार, हमन है ना साथ में। जी मोहन भैया, जा गोटी जा, जा गोटी जा, जा, जा। आजा गोटी आजा, जा जा। अरे जा ना, चल आजा 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 आजा। अरे 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 बाबा, बाबा बाबा, अरे वाह क्या, अरे बाबा बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला गोटी। हां कबड्डी 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 टापू टापू छु 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 के आ जा। अरे ई का कहे, आहो कहां रह गए यार तू सब यार। ए पवन भैया हमू कबड्डी खेला, जूता कबड्डी खेली। मरे के त ऐसे हुआ ना, मरे के त ऐसे हुआ। सही बात हो। हां भैया ठीक कहा थन, कैसे कह के खेले ही के बा। अरे से बढ़िया मर जाइब। ठीक बा, चलो चलो कबड्डी 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 का बहारन मर दे, इतना आसान रहे पकड़े। अरे पकड़ा बाहर से पकड़ा यार, कैसे खेला था ऐसा जितवा कबड्डी मैच। कबड्डी 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 टापू टापू घेर घेर कबड्डी 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 गोटी पकड़ ले। कबड्डी 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 मोहन का हो यार, अभ्यास कई जाई ना पवन, सब सही हो जाए यार, सब सही हो जाए। पवन भैया भगलू, पवन भैया, मोहन भैया, हमू कबड्डी खेलब, हमू ठाकुर के बचाचा खाए। अरे भगलू बोल देला ना, इतनी काफी बा हमरे खातिर। का मोहन देखा बहारन, इनका जज्बा देखा भगेलू का, यह जज्बा हमन के चाहिए तब कबड्डी मैच जीत जाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, एक पवन भैया हम कबड्डी खेला। आवा आवा जा जा। खूबसूरता तू एक काम कर, तू यहाँ पर ही खड़ा हो जा, इतने काफी बात। ए बस यहीं से ठीक है, यहीं बन रहा। अरे पीपा, अरे मगर 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 पकड़ 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 टापू और तो पकड़ पकड़। अरे अरे निकल गया, छूट गया यार। कबड्डी 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 कबड्डी। ऐसे नहीं बेटवा लोग, ऐसे नहीं खेलल जाला। अब्दुल चाचा, चाचा अरे तारा के कबड्डी के बारे में कितना कुछ जानकारी बा। हाँ बेटवा, हम आहू अपने जमाने में ए बहुते कबड्डी खेल ले बानी। जब चाचा ऐसा बात बा, अपन गुण अपन दाव पे हमन के सिखावा चाचा, ताकि हमन के अंदर जान आ जाए चाचा। अरे मोहन बेटवा, वो सब उमर कहाँ रही गुआ बा। चाचा देखा हमनी के कौनो हाल में एक कबड्डी जीते के बच्चा था। अरे बोला ना, अरे बोल बोल बोला बोला बोला। अरे अच्छा ठीक बा। भाई मजा पवन जान आई। आज तो हम पवन से सब कुछ कह दे, कुछ न छिपाए कि हम ओकरा से कितना प्यार करे नी, ना तो बहुत देर हो जाए। इस चंपा भी ना रानी तो हम मर गए। कहाँ रह लू तू इतना देरी का है भाई? ओ हमें काम में। छोड़ सब काम वाम, हम तरह के कहले रानी आना कि हमरा पवन से मिले के बा। अच्छा तब पवन से मिले खातिर इतना बेकरारी बा। हाँ बेकरारी बा, अब तू बस चल जल्दी चल। कबड्डी खेले के खातिर आज के समय शरीर तंदुरुस्त रखे के पड़ी, ओकरा खातिर थोड़ा दौड़ना व्यायाम जरूरी बा। हाँ ई कबड्डी के खेल में ताकत के साथ साथ थोड़ा सा अकलियों के जरूरत बा।
आज हम तोरा लोग के कुछ दांव पेश सिखाई और हुनर बताई और कुछ तरकीब बताई, फिर देखी तोरा लोगन में जान आ जाई। पहले ताल ठोकी फिर ऐसे पकड़ी। अरे देखो चंपा हल बड़ी, अरे उन्ने मर दे चंपा। अरे अरे जाना जाना, अरे जाना। ए पवन, यहाँ वा यहाँ वा। हमने के? अरे यहाँ वा। का भेल? ए पवन, रानी तक के बुलाओ तानी। रानी? हमने के? और के बोलेंगे? अरे अरे चाचा अभ्यास करेंगे। जा जा हम देख ले, जा तू रानी के देखा, ठीक है? चल हम चलते हैं। चंपा भी ना पता ना कहाँ जाके मर गई, अभी तक पवन के लेके ना ही आई। का बात है रानी, हमके यहाँ काहे बुलालू हो? कुछ हो ना, वो तो हर गमछा देवे के रहा ला। बस ठीक बा, तुम चलो थे। पवन का बेल? एगो बात पूछी। पूछा? पता ना हमके का हो गेल बा, हमार कुछ में मने खेलागत ना, केहू से खेले में ना, बतियाए में ना, पढ़े में। जिधर देखे नी ना उधर तहार चेहरा दिखाई देता। यहाँ तक कि ना कि जब हम सूते नहीं तो रात के सपना में भी तू ही दिखात बड़ा। ये हमके का हो गेल बा पवन? रानी तारा के ऊ हो गेल बा। ऊ? ये ऊ का होला? रानी तारा के तारा के प्यार हो गए रानी। हमरा दिल के तोहरा दिल से प्यार हो गइल, अखियन से बात करके इनना चार हो गई। दिल चुप के चोरी भइल, अखियन से बात करके। दिल चुप के चोरी भइल, अखियन से बात करके। दिल चुप के चोरी भइल, अखियन से बात करके। दिल चुप के चोरी भइल, अखियन से बात करके। हो मोरे नैना, मोरे नैना, हो मोरे नैना चार भइल, अखियन से बात करके। दिल चुप के चोरी
के चोरी भइल अखियन से बात करके। मोहब्बत प्राण के है, इ मोहब्बत इ चाहत रब के बा सब इनायत। मोरी दुनिया मोरी दुनिया बदल गई अखियन से बात करके। दिल चुप के चोरी भइल अखियन से बात करके। दिल चुपके हो दिल चुपके चोरी भइल अखियन से बात करके। दिल चुपके चोरी भइल अखियन से बात करके। हो मोरे नैना मोरे नैना हो मोरे नैना चार भइल अखियन से बात करके। दिल चुपके चोरी भइल अखियन से बात करके। दिल चुपके चोरी भइल अखियन से बात करके। दिल चुपके चोरी भइल अखियन से बात करके। हाँ मंत्री जी, ठाकुर प्रताप सिंह बोलत हैं जी। प्रणाम। तब अबरी चुनाव के टिकट फाइनल बाना? आई प्रोग्राम वगैरह रखल जाए, बहुत दिन हो गए रहे, दशहरा के न भइल रहे जी। ठीक बा प्रणाम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अपन रानी बिटिया। रानी बिटिया? हाँ ठाकुर साहब। का हुआ रानी बिटिया को? ठाकुर साहब, रानी बिटिया अपन पवनमा के साथ। मुंशी। हाँ ठाकुर साहब, सच बा। सच बा? पवनवा हा के मुंशी जी? हाँ ठाकुर साहब, ये वह पवनवा बा जेकरे बाप लक्ष्मीकांत और माई सावित्री देवी के 22 साल पहले रहुआ गोली मार देने राली। तई सावित्री और लक्ष्मीकांत के बेटा है पवनवा। मुंशी जी। जी ठाकुर साहब। अब खेल में मजा आई, बहुत मजा आई। एक काम करी मुंशी जी। जैसा आदेश ठाकुर साहब। पवनवा के बुला के ले आए। जी ठीक बा ठाकुर साहब, अब ही जात बानी, जाता नहीं। अरे पवनवा रे, पवनवा बेटा, अरे ओने कहाँ जात बाड़ा, जरा छाता में आवा आवा, बारिश में भीग देवे बेटा, बीमार पड़ जाइबे। मुंशी जी, आज हमनी पे इतना मेहरबान काहे बानी? अरे बेटवा, अरे बेटवा, तू बार बार हमनी के शक के निगाह से काहे देखा तारा रे। अरे हम हो तो तुम्हारे पिता समान बानी। काम के बात करी मुंशी जी। अरे बेटवा, ठाकुर साहब बुलावले हैं तोहरा के। ठाकुर साहब, हमने के बुलावनी है?
वो का है? चली देख ली, आप खुद ही चल के देख ली, चली चली हाँ चली हाँ। आवा पवन आवा। ठाकुर साहब हमके यहाँ पर काहे बुलौनी है? पवन हम ही जानल चाहता नहीं कि तोहरा और रानी के बीच में का रिश्ता बा। जब आप जानते बानी तो पवन अगर रानी तोहके पसंद करतिया तो हमरा कोई एतराज नहीं खे, लेकिन एक बात बतावा का नारायण तोहार सगा भाई है? हाँ। तो कुछ नहीं खे जानत, नारायण तोहार भाई नहीं बल्कि तोहार माँ बाप के हत्यारा है। ठाकुर साहब ई का नाप शनाप बगतानी? हम मनाप शनाप नहीं खी बकत, अगर विश्वास नहीं खे तो जाके नारायण के बीवी से पूछ ला कि लक्ष्मीकांत और सावित्री के रहे। अगर झूठ निकली तब पवन आज हम तोहके एक सच्चाई से पर्दा उठा के बतावतानी। बहुत पहले ये गांव और नारायण मिल करके हमरे गोडाउन से अन्न चोरी कईले रहलन। उस समय तुहार बाप सच्चाई के साथ देले रहलन और गांव वाला नारायण के खिलाफ पुलिस में जाके गवाही देले रहलन। ओकरे बदला लेवे के खातिर सब मिल के रातो रात तुहार माँ बाप के हत्या कईले रहलन। झूठ बा, झूठ भाई, झूठ नहीं बा। अगर ई तोहरा विश्वास नहीं के हो तो जाके नारायण के औरत से पूछ ला, सच्चाई मालूम पड़ जाए। ठाकुर साहब अगर ई बात झूठ निकली तो तुम्हारी सार हम घर से फलक कर दें। वाह ठाकुर साहब वाह, एक तीर से दो निशाना, कतल रहुआ कहनी और इल्जाम नारायणवा पे लगा देनी। और तो और पवनवा को यह नहीं मालूम कि रहुआ ही नारायण के कतल कहनी। इतना बड़का साजिश वो भी हमार बाबूजी। रुक 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 मुनि आ तो के ना छोड़ो, इधर से इधर से पकड़ 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 जल्दी से पकड़। अच्छा अच्छा चाचू आज अपने चाचा को परेशान कर दे। भौजी का यार पवन कहाँ रहे यार? भौजी हम क्या बताया भौजी, सच सच हम के हैं। ये का बहकी बहकी बातें कर रहा तारा तू? हाँ भौजी लक्ष्मीकांत और सावित्री के रहे। भौजी बताओ भौजी। मुन्ने अंदर चला। जी माई। भौजी हमके बतावा, भौजी हमके बतावा भौजी, नारायण भैया हमर सगा भाई हौन कि ना? इका बकतार है पवन, दिमाग तोर खराब बा का? बताओ भौजी, भौजी बतावा नारायण भैया हमर सगा हौन कि ना? भौजी भौजी तारा के हमर क्रिया है भौजी, बतावा। तू सच सुने की चाहता रहा? सच सुने के चाहता रहा तू तो सुना। नारायण भैया तोहर सगा भाई ना हवन, लेकिन तोहर के कबो नालक समझ ला। बस भौजी बस, इतने काफी रहे भौजी, इतने काफी रहे। पवन सुना यार, पवन ई का बोलिन भौजी? भौजी का बोली ना पवनवा से, का बोली ना बतावा ना। कबड्डी 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 मोहन धरा धरा करा के का बात बा? तू यहाँ अकेले गुमसुम खड़ा बाड़ा, कुछ भइल है का? नहीं कुछ नहीं के भइल। अच्छा आज पवन नहीं खे दिखाई देत, पवन कहाँ बाड़न?
अरे पवन मारे कबड्डी खेले नहीं कैलास ना मुंशी जी। अरे बेटवा ऐसा काहे कहा ताड़ा हम कबड्डी ना खेला मुंशी जी। अरे बेटवा ऐसा मत करा देखा यह तो बखत बाड़े अपने माई बाबूजी के मौत के बदला लेवे के मोहनवा के टीम में मिल कह के ई गांव वालन के हरवाएगा। बेटवा देखा ना ठाकुर साहब आपन बिटिया रानी के हाथ देवे के तैयार बैठल बाड़न। देखा बेटवा यह बखत बा हमरा के जितना समझावे करा समझाए देनी। अब देखा अब जौन करे का तोहरा के करे बा हम चलत बा। शंकर बा अरे गोटी हाँ छू छू अरे छू का अरे बच्चे अरे छू उसको अरे गोटिया अरे भाई दूर दूर एक खड़ा होके एक का देखा तारा लोग ए मोहन आज ए पवन नहीं क्या दिखाई दे ए का बात है। अरे अब्दुल चाचा हमने देखा पवन भैया आ गइल पवन आजा आवा पवन आजा आजा सब लोग आजा कल्लू ए ए भोलू आवा आवा तू लोग आवा चाचा आवा आवा सब सब के हूँ आजा आवा आवा हिन्ने आवा। ठाकुर साहब ही कागजात गांव वालन के जमीन के रानी कहाँ जाता रू बाबूजी कहीं ना वो अपन सहेली से मिले खातिर कोई सहेली वहेली से मिलना की जरूरत नहीं है चला अपना कमरा में चला जल्दी चला कमरा में चला। मुंशी जी जी ध्यान रहे रानी हवेली से बाहर ना जा पावे जी ठीक बा। मालिक जौन खिलाड़ी बुलावले रही जा उ आ गइल बा अब भाई खेल में मजा। शाबाश काली मुंशी जी जी हम चलत नहीं तू रंजीत के लेके आवा। ठीक बा आई ठाकुर साहब आई देखी देखी हाँ ये देखी हाँ आई ये देखी हाँ ये देखी हाँ आई देखी पट्ठा हाँ आई देखी दारा सिंह के जैसन हाँ ये देखी आई आई हाँ और बाड़न हाँ और बाड़न तारा लोग के जे चाही सब मिली बाकी कबड्डी हमरा जीते के हा। मुंशी जी जी सरकार पहलवान लोगों का ध्यान रखिएगा। ए सरपंच जी ई हमार गांव के टीम हुए का हो ई अटखरी बटखरी के टीम बना के चल रहा पहलवान लोग से मुकाबला करे शुरुए में हार जाइब लोग। रघुनाथ भाई ऐसन वैसन ए सनन सबके काहे समझता रहा ऐसन वैसन काहे ना समझल जा अब्दुल भाई तू तो देखन में ही लागा था ऐसन बात बा तो ए जकरा चाहे ओकरा के खड़ा कई के देख ली आजमा ली पता चल जाई कि अटकरी बटकरी टिमोआ में के के कितना दम बा। अरे शंकर हने आओ राजू तू आओ सुरेश हने आवा मोहन 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 छुके आओ छुके आओ छुके आओ
घेर 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 पकड़ 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 मोहन पकड़ टापू कृपा जा 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 और ऐ गोटी छू क्या हो गया गोटी ऐ शाबाश घेर 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 उड़ी मार उड़ी मार आज सवार सवार आज सवार घेर 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 जाए मत पकड़ पकड़ और हमें के विश्वास हो गई कि तू लोग पहलवान के साथ कबड्डी खेल सकेला मैया शेरा वाली मैया मेहरा वाली मैया शेरा वाली मैया मेहरा वाली तोहर बिन अब ना कोई हमारा दे द हमनी के आपन सहारा माई दे द हमनी के आपन सहारा सुनना अम्बेरान लैला अपनी शरण दूर करिदा उलझन लैला अपनी शरण दूर करिदा उलझन विश्व विजय बनावा मातारा दे द हमनी के आपन सहारा माई दे द हमनी के आपन सहारा छुड़ा दा बुझती जोत के हे मजला दा चुनरी नारियर चढ़ाई पुलवा डारी के मनाई चुनरी नारियर चढ़ाई
करिब तोहरे पूजनवा जग तारा दे द हमनी के आपन सहारा माई दे द हमनी के आपन सहारा मैया शेरा वाली मैया मेहरा वाली मैया शेरा वाली मैया मेहरा वाली तोहर बिन अब ना कोई हमारा दे द हमने के आपन सहारा माई दे द हमने के आपन सहारा जो दिन ना गईल बा जेकर इंतजार ठाकुर और गांव वालन के बहुत बेसब्री से बा, लेकिन गांव वालन के लिए ये दिन बहुत ही बड़का बा, क्योंकि गांव वालन के लिए ये कबड्डी कोनो साधारण खेल नहीं बा, जिंदगी और मौत के खेल बा। ये जिंदगी और मौत के खेल मा जीत ठाकुर के होई या गांव वालन के, ता चली देखल जाए। प्रणाम ठाकुर साहब, प्रणाम। और ठाकुर के दिमाग आई और ये टीम के कप्तान ब्रिजवा बा, गांव की टीम भी जल्दी आवे वाला बा, और टीम के कप्तान मैदान में चल मोहन भैया। लड़ाई कितना दम बा देखल जाई हो पवनवा, बदल नगाड़ा चिरल लड़ाई कितना दम बा देखल जाई, उठा के बिरवा पटक दे भैया, उठा के बिरवा पटक दे भैया, आज नचाते ताता थैया। चला है भैया चला रे नितवा जीता बात कबड्डी, चला है भैया चला रे नितवा जीता बात कबड्डी। या अल्लाह मदद कर। अरे कलेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? वो कबड्डी का खेल देखने आया हूँ। बहुत बढ़िया, बैठिए। आए कलेक्टर साहब, आए बैठिए। अभी खेल शुरू होके जा रहा है बा, अब ये देखे के बा के ठाकुर के टीम जीता था कि अपन गांव वालन के टीम। ये दोनों टीम के कप्तान आ गए, आ दोनों हाथ मिलावा था, आ ये कौन बा? अच्छा रेफरी बा, कितना खुश हो गई, और ये ठाकुर की टीम से एक पहलवान गइलन। अरे
आज गांव वाला के टीम के बारी इतना खर्च के इलाके बाद भी गांव वालन के टीम तोहने लोगन पर भारी पड़त बा। याद रखिए, अगर एक कबड्डी हार गई ला तो एक एक के काट के रख दे, एक एक के काट के रख दे। मोहन, पवन, खूब जोर लगा के खेला तोहने, सब लोग जोर लगा के खेला हा? तो हाथ दोनों के ऊपर गांव वालन की उम्मीद बा। ये उम्मीद के टूटे मत दिया तू लोग, समझ ला, टूटे मत दिया। असल कौन बात नहीं कि तनी देर बाद खेला फिर शुरू हुई। अब देखा जाए कि के जीता था। हमरा तो बुझाता हमर राजा जीते हैं, पवन भैया, मोहन भैया, मुआ जीत जाइए भैया। अरे नाच पीटा चीटी बजा दे लग, आधा छुट्टी खत्म। दोनों टीम मैदान में और अरे एक और एक खेल के तैयारी शुरू। आवाज़ थोड़ा
मोहन भैया बार अब का होई हमार टीम के हाय राम हाथी तरह के हमार बद्दुआ लगी कोनो बात नहीं खे तसल्ली रखी पवन भैया बाड़ान ये हमार गांव के टीम के पवन भैया जादारन भीतर भगवान कुछ करी कुछ चमत्कार करी ठाकुर के टीम से एक जना गैलन फिर हमरा गांव वालन के टीम में और अच्छा भाई के केहू के छुए बिना वापस आ गई पवन बहुत बड़का गलती करत बाड़ा तुम अब अकेला टापू का कर सकी लगातार गांव वालन के टीम हार जाई हे भगवान रक्षा करी हा भाई हम अभी आ बताई मुसीबत के घड़ी हा गांव वालन के टीम एकदम कमजोर स्थिति में पड़ा और ठाकुर साहब के टीम के हाथ सब कुछ पड़ा अब देखत का होई का होई का बात बरानी काहे बोलोलू पवन पवन जान कुछ भी कर रहल बा गलत बा पवन का कहले रानी हमरा के साफ साफ तू बतावा ना पवन के माई बाप के हत्यारा पवन के माई बाप के हत्यारा के कहले बा रानी तू हमरा के साफ साफ बतावा ना पवन के माई बाप के हत्यारा और नारायण भैया के हत्यारा नारायण भैया के हत्यारा के कहले बा रानी तू हमरा के साफ साफ बतावा ना हमर बाबूजी बड़े हम अपना कहानी से सुन ले बानी टापू को अंदर और वा 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 और टापू एक पहलवान के आउ कर के आ गई और आउ कर बदले जिंदा होई मोहन भैया उम्मीद जा रहल बा अब पता नहीं का होई पहले ये गांव वालन के उनका हक दिला दे एक कबड्डी के एक बेट जीत जा हे तोरा के जौन मन करे ना वो करिया जहां भी गवाही देवे के पड़ी हम देह प्लीज हमारी बात मान जा और आओ कर बदले जिंदा होई
मोहन भैया उम्मीद जाग रहल बा। भगवान करे तू ही कबड्डी जीता। और ई मोहन भैया आ गई मैदान में जिंदा होके गांव वालन की टीम में एक मोहन भैया अकेले बच गएलन हां। चला रे भैया चला हो मितवा जीतब आज कबड्डी। ठाकुर जितना चाहे उतना हंसला आज तो तू गईल। भैया चला हो मितवा। हे अंबे मां हमन की इज्जत तोरे हाथ में बा मां। कबड्डी 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 सर, मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ। हमार बात सुन, भैया भाभी के क्या रहा ये ठाकुर सरवाह? हमने बात का विश्वास रख भाई। अरे माई बाबू के भी ये ठाकुर मारे हो। पवन, ये क्या कर रहा है बड़ा? बहुत सच कह रहा। हमने बात का विश्वास किया। अरे माई बाबू जी के हत्यारा, तो हर ठाकुर का हमार बाबू की बाड़ा। पवन, पवन, आज ये ना छोड़ा, आज
वाली निकसवा मार मार पहलवान कहाँ गिला सरे औरते, तोरा मालूम बा तार भाई नरेना के हम मर ले रही तोरो तोर माई बाबू के भी हत्या हम कई ले रही और तू दोनों के भी हम मरम गांव के केहू के भी ना छोड़म हमार लड़का के तोहनी मर ले पड़े साथ केहू के ना छोड़े ठाकुर हैंड्स अप गिरफ्तार कर लो इस ठाकुर ठाकुर तुम क्या समझते हो इन गरीब गांव वालों के खून पसीने से सींची हुई जमीन को हजम कर जाओगे इन गरीब गांव वालों को बेघर कर दोगे तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो चुके हैं कि कानून की लिस्ट में तुम बहुत ज्यादा मुजरिम करार दिए जा चुके हो बहुत जुल्म किया ठाकुर तुमने इन गांव वालों पे तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है अरे तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है कानून की किताब भी तुम्हारे खिलाफ सजा लिखते लिखते थक जाएगी ठाकुर मुझे तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पहले ही से पता चल गया था इसलिए मैंने इन गांव वालों की जमीन के कागजात यही मंगवा लिए थे और इंस्पेक्टर तुम्हारी भी काली करतूतों का मुझे सब पता चल चुका है तुमने जो ठाकुर के साथ मिलकर गांव वालों के साथ जो जुल्म किया है धिक्कार है तुम पे
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पुलिस वालों के साथ मजाक किया है तुमने, कानून के साथ धोखा किया तुमने। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये वर्दी पहनने का। उतार दो ये वर्दी। गांव वालों, तुम्हारे बीच में मोहन और पवन कौन है? हाँ साहब, हम ही है साहब। तुम दोनों के बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था, और इस गांव के बारे में। गांव वालों, अगर मोहन और पवन जैसे लोग इस गांव में होंगे तो इस गांव की तरक्की भी होगी और इस गांव से जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा मोहन और पवन, अब हम चलते हैं। कोई भी मेरे लायक काम हो तो आप दोनों याद कर लेना। जी सर। इस गांव की तरक्की, इस मुल्क की तरक्की, इस पूरे हिंदुस्तान की तरक्की। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी नमस्कार। और इसी तरह मोहन और पवन की वजह से इन गरीब गांव वालों की जमीन वापस मिल गई और इस वासुदेवपुर गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। जाना उठा बागोरी, दुनिया के नजर लग जाई है। कमर ना लचकावा, दिल पे छुरी चली जाई है। जियारा ना तरसावे, रानी मनवा पागल होई जाई है। जैसे रतिया में जोनिया के चमके अंजोरा, वैसे घूंघटा से ताक दोरी करी लनी होरा होरा। गोरिया रे गोरिया रे, ताक ना हमर ओरिया रे गोरिया रे।